dear students, hope you all are in good health. This video is being created by the Trust School for your convenience. As you all have received your summer back, so this tutorial is created to assist you in your social studies homework. Today the message of the day is there is no substitute of hard work. यानी कि मेहनत करने का कोई निमल बदल नहीं है. अगर अपनी ज़िंदगी में आप किसी मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं, किसी आला मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं और कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत करना शर्त है. अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप उस मुकाम तक कभी नहीं पहुँच सकेंगे. Today we will discuss the page 44, the family time. In this page, you have to write one sentence about each day to explain what special things you do on the day. यानी कि आपने जितने भी आपके festivals आपकी life में हैं, जो जितने भी festivals हम पाकिस्तान में celebrate करते हैं, या कोई आपके अपने कोई personal special day हैं, उनके बारे में आपने लिखना है. आपने बताना है कि आप उस दिन अपनी फैमिली के साथ ऐसा क्या, कैसे टाइम स्पेंड करते हैं. एक सेंटेंस के अंदर आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, इसकी एग्जांपल के तौर पे आपको बताया हुआ है कि ईद डे यानी कि ईद उल फितर के बारे में बताया हुआ है. आई गो टू ऑफर प्रेयर विद माई फैमिली. ईद उल फितर पर ख़ास तौर पर हम लोग सब लोग अपनी फैमिली के साथ नमाज अदा करने जाते हैं. ठीक है, सो यू हैव टू राइट हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर फेस्टिव डेज विद योर फैमिली. फॉर एग्ज़ाम्पल ईद उल अज़हा. ठीक है, ईद उल फितर के बाद ईद उल अज़हा आती है. एज़ यू ऑल नो, ईद उल अज़हा इज़ द फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस. इट ऑनर्स द विलिंगनेस ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम टू सेक्रीफाइस हिज सन एज एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस टू अल्लाह अलमाइटी. आप सबको पता है कि हम ये सुन्नत इब्राहिमी के तौर पर मनाते हैं और उस दिन अपने जानवरों को कुर्बान करते हैं अल्लाह की राह में, और गरीबों में अपना गरीबों में गोश्त को तकसीम करते हैं. ठीक है, सो यू कैन राइट आई हेल्प माई फादर इन सेक्रीफाइसिंग द गोट. जब भी हमारे घर में कुर्बानी हो रही होती है तो हम सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो गोश्त को संभालने का काम हो या वैसे ही साथ खड़े होकर अपने फादर को असिस्ट करने का काम हो. सो यू कैन राइट इट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द पीट मीट अमंग द पुअर्स. ठीक है, और गरीबों में तकसीम करने में आमतौर पर बच्चे बहुत मदद करते हैं अपने पेरेंट्स की. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द पाकिस्तान डे. पाकिस्तान डे इज़ अ नेशनल हॉलीडे इन पाकिस्तान. ऑन दैट डे द पाकिस्तान द लाहौर रेजोल्यूशन पास्ड ऑन 1940 विच इवेंचुअली लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान वाले पार्क में एक लाहौर करारदाद दी गई पाकिस्तान बनाने की. ठीक है, जिसको लाहौर रेजोल्यूशन का नाम दिया जाता है, और उसके बाद जो है पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया 1947 में. ठीक है, तो ये डे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये और इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए ख़ास तौर पे हमारी जो जॉइंट आर्म्ड फोर्सेस हैं वो एक मिलिट्री परेड शो करती हैं, जो कि ब्रॉडकास्ट होती है हमारे टेलीविजन्स पे. ठीक है, एंड थ्रू दिस परेड आवर जॉइंट आर्म्ड फोर्सेस shows a glance of its power and capabilities. ठीक है, so you can write I watched the parade of the Pakistan Armed Forces on the television. क्योंकि एक बहुत exciting और एक बहुत patriotism create करने वाली चीज़ है जब भी हम इसको TV पर देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ शबे बारात. डियर स्टूडेंट्स, as you all know, शबे बारात इज़ अ मुस्लिम हॉलीडेज सेलिब्रेटेड ऑन 15th शुबान. ठीक है, 15 शुबान को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ द नाइट ऑफ फॉरगिवनेस. ठीक है, इसकी इस नाइट की बहुत, इस रात की बहुत अहमियत है मुसलमानों की ज़िंदगी में. ऑन दिस नाइट अल्लाह सुबहान अल्लाह सेड हु वॉन्ट्स फॉरगिवनेस आई विल फॉरगिव यू. कौन माफ़ी चाहता है मैं उसको माफ़ कर दूंगा. कौन बख्शिश चाहता है मैं उसको बख्श दूंगा. हु वॉन्ट्स फूड, किसको खाना चाहिए मैं उसको खाना जो है वो अता करूँगा. अल्लाह सेड दिस ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल फजर. यानी कि फजर तक जो है अल्लाह ताला हमसे पूछते रहते हैं और हम लोग मांगते रहते हैं, और इस दिन हमें अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह भी बख्श दिए जाते हैं अगर हम अल्लाह ताला के सामने अपना सर झुकाते हैं. सो आई प्रेड ऑल नाइट विद माई फैमिली इन फास्टेड द नेक्स्ट डे. और आमतौर पर सारे मुसलमान सारी रात जागते हैं, इबादत करते हैं, और नेक्स्ट डे जो है वो रोज़ा रखते हैं इस दिन. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे का सबको पता है, हमारा जो है पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है. 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो
मर्ज़ वजूद में आया, कायद आज़म ने जो है पाकिस्तान बनाया, ठीक है, उस दिन हम बहुत अच्छी सेलिब्रेशंस करते हैं. यू कैन राइट आई प्रेड फॉर द सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ माई बिलव्ड कंट्री एंड डेकोरेटेड माई हाउस विद फ्लैग्स ऑफ पाकिस्तान. हम लोग सब घर में झंडियाँ गुब्बारे और बड़े फ्लैग्स लगाते हैं अपने, जो है वो पाकिस्तान वाली टी शर्ट्स पहनते हैं, ठीक है, कपड़े पहनते हैं वैसे, और उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. तो इसके बारे में आप अपनी कोई भी एक्टिविटी जो भी आप उस दिन करते हैं उसके बारे में लिख. नेक्स्ट यू कैन राइट ऑल्सो अबाउट योर बर्थडे, लाइक आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड गॉट वंडरफुल सरप्राइजेस. आप अपनी बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. जो भी इवेंट्स हों उस दौरान, कोई भी स्पेशल बात हो तो उसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि बर्थडे भी आपकी लाइफ का एक बहुत स्पेशल इवेंट होता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़. Assalamu alaikum dear students, hope you all are in good health. This video is being created by the Tro School for your convenience.